कहे हाँ। कि हे प्रभु, सारी नारी के हाथ में हारा हारा चूड़ी है, हमें भी पहनना है प्रभु। तो माता रानी माँ गौरा से शिव जी कहते हैं, ए गौरा, मैं थोड़ी पर्वत से घूम के आ जाता हूँ, फिर आपको हरी हरी चूड़ी पहना दूंगी। मैया पार्वती कहती कि नहीं प्रभु, पहले हमको चूड़ी दीजिए, तब आपको पर्वत पे जाने देंगे। मैया पार्वती हट बना ली, तो शिव जी भी बड़ी हट है, वो भी नहीं सुने, बोले कि अभी आते हैं पार्वती, पर्वत से घूम के सारे लोग के खोज खबर लेके तब आपको हरी हरी चूड़ी पहनाएंगे। मैया पार्वती क्या के शिव जी गए उधर, मैया पार्वती गोदी में गणपत और कार्तिक को गोद में लिए अपना नैहर की ओर चल गए। जब चली गई मैया पार्वती अपनी नैहर की ओर, तो नैहर में बुढ़िया मैया बैठल थी आ कही न कि बाप रे, लगा हमार गौरा आते हैं आ हमार कार्तिक और गणपत नाती आते हैं। माँ देख के बड़ी खुश है, माँ तो यहाँ जल जल में गुस्सा में आई कि शिव जी हमको हरा हरा चूड़ी नहीं दिए, आप जा रहे हैं। आज जब मैया पार्वती अपना नैहर में पहुँचे, तो अपना माई देखी कि बेटी के हमार सोना कलाई है आ सबके हाथ में हरा हरा चूड़ी है। तब बेटी को कहती है, क्या ए बेटी, कल आ इतना चूड़ी वाला, तो चूड़ी पहन लिया। तब कह ना माँ, हमारा शिव जी चूड़ी ना देखिन, हम ना पहनब। तो बोला ना बेटी, पहन लिया, ना तो लोग टोला मोला जानते तक कहते कि देखी कर बेटी लड़ाई झगड़ा करके न। तब मैया पार्वती लट्ठी का माए, जब महादेव पर्वत से घूम के आते हैं, तो देखते हैं कि उसका घर आंगन उदास है, पार्वती नहीं है, गौरा रानी नहीं है, गणपत नहीं है, कार्तिक लाल नहीं है। तो महादेव अपने तृतीय नेत्र से देखते हैं, तो माता पार्वती अपनी नैहर की ओर में बैठी हुई, तो बेचारा एक बूढ़ा के रूप धारण कर लिए महादेव और चले गए, चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो करते करते। जब चूड़ी की आवाज़ मैया पार्वती की माता सुनती, कहते ये बेटी देखना वो बुढ़वा लो चूड़ी पहनावेला, पहन ले चूड़ी। तब फिर मैया पार्वती कहते ना माँ, हम ना पहन मूढ़ा बूढ़ा से चूड़ी, कहा जो ना बेटी पहन लेना, तनी भर भर हाथ कलाई पहन ले। जैसे बेचारी गई माता पार्वती चूड़ी पहनने से, बाबा हाथ कलाई पकड़ के आ बोलने लगे, गोरे गोरे रूपावा हे पार्वती लारानी कलैया रे जान जा, जान चूड़ी करू दी लगाई हराए, जान चूड़ी कर पार्वती मैया कलाई को छोड़ के फिर भाग गई। कह गे माए, वो बुढ़वा सत्य में चूड़ी ना पीना, वो बुढ़वा कैसे कैसे बोलती है। कह के गे बेटी, बुढ़वा बूढ़ा नहीं तो कुछ कुछ बोलती है नहीं, तू पहन लेते हैं चूड़ी। कह के ना माए, हम बाद में पहना। फिर मैया माता पार्वती चली आई घर। फिर कल चल के महादेव एक लड़का के रूप में आया, छल छबीला के रूप में, फिर कह रहा है चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। तब फिर माता रानी की माता कहती कि देखना बेटी, आज एगो लड़का आए लो चूड़ी बेचेला, जो पहन ले। कहकर ठीक है माए जा। फिर कलाई पकड़ती है माता रानी के, माता गौड़ा के, और फिर बोलने लगता है ओ गोरे गोरे रूपावा हे पार्वती लारानी कलैया रे जान, जान चूड़ी कर नवारू दी लगाइया रवारे, जान चूड़ी कर नवारू दी लगाइया। फिर माता गौड़ा हाथ छोड़ा के भाग जाती है, कहते गे माइकल बुढ़वा ही ले लो तो बकर बकर करते, लाई छोड़ वो बकर बकर करते, हम ना पीनम चूड़ी, राय दे सुन ना, तू चूड़ी पहन ले ना माए, तू रह। फिर महादेव कल बच्चा के रूप में आए, भर टोकरी चूड़ी लेके, फिर करा चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। कल के गे बेटी,
कल बुढ़वा हलो तो तोरा परेशान कलको, परसू कल छोड़वा परेशान कलको, आज एगो लड़का बच्चा है जो पहन ले बेटी। कल के ना माइयो कुछ बोलते कहा ये लड़का बच्चा कोची बोलतो बेटी जो पहन। फिर माता पार्वती जाती है चूड़ी पहनने के लिए तो फिर लड़का कलाई पकड़ के कहते गोरे गोरे धैया रे पार्वती लाला की कलैया रे जान। जैसे माता पार्वती कलाई छोड़ाने चाहे कि महादेव अपने रूप में आ गए, भर मुट्ठी कलाई पकड़ लें। अब महादेव अपनी पार्वती से कहते हे पार्वती, यही चूड़ी के कारण आप रुस के नहीं हराए, लीजिए मैं पहना देती हूँ। भर भर हाथ माता कौड़ा का हरी हरी चूड़ी कलाई में आ गया, और जो चूड़ी बचा तो हमारे नर लोग में मैया पार्वती बांटती। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की। कार्तिक गणेश को गोदी लिए महादेव, अगौड़ा के हाथ में लिया कह के चल पर्वत पे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की।